हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेके आ चुका हूँ मोटोरोला के एज 14 न्यू 5G फोन के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक करने लगे इसके अपने मोबाइल में नेट स्पीड कैसे शो करेंगे। अगर गाइस आपके स्टेटस बार में जो है नेट स्पीड गाइस अगर शो नहीं हो रही है तो आप उसको कैसे इनेबल करेंगे अपने फ़ोन की सेटिंग से। तो चले जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सिंपली गाइज अगर आप अपने फ़ोन की सेटिंग में गाइज अगर ढूंढते हैं कि आपको नेट स्पीड कैसे शो करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल मिलेगा। तो इसके लिए गाइज आपको करना क्या, अपने फ़ोन में आपको चले जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में। अब गाइज आपको यहाँ पर सर्च करना है नेट स्पीड इंडिकेटर को, देखिए। देन आपको यहाँ पे देखिएगा तो आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा नेट स्पीड इंडिकेटर का। आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपको इसको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। देन आपको यहाँ पे गाइस देखिए डाउनलोड कर लिया मैंने। अब इसको मैं सिंपली ओपन करूँगा तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। देन आपको यहाँ पे इनेबल इंडिकेटर पे क्लिक करना है। अब गाइस आपके फ़ोन में जब भी डाटा चलेगा तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार में KBPS की एंड गाइस MBPS की जो स्पीड रहती है आपको शो होने लगेगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको हो रही होगी कुछ इस प्रकार से KBPS की MBPS की। तो गाइस आप इस प्रकार से अपने फ़ोन में KBPS की MBPS की स्पीड को शो कर सकते हैं अगर जब भी आपके फ़ोन में वाईफाई या फिर गाइस जो डाटा है ऑन चल रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए डेली डाटा यूज का ऑप्शन मिलता है, वाईफाई का, आपके फ़ोन में डाउनलोड स्पीड कितनी मिल रही है आपको सारा कुछ ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग बटन का, स्टार्ट ऑन बोर्ड का। तो गाइस आप इस ट्रिक को अपना करके अपने फ़ोन में नेट स्पीड को शो कर सकते हैं। कोई दिक्कत जा रही है तो कमेंट कीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक ले बाय।